भारतीय नेवी में समुद्री लुटेरों का काल शामिल कर लिया गया है। इस समुद्री पोत का नाम है INS संधायक। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने खुली चेतावनी दी कि समुद्री लुटेरों और तस्करी में शामिल लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। INS संधायक 4 SBL विवर्स में से पहला है। इसके फीचर्स ऐसे हैं कि दुश्मन का कलेजा कांप जाएगा। INS संधायक की रेंज 11,000 किलोमीटर है और यह बोफोर्स से लैस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि SBL जहाज महासागरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अलावा देश के साथ साथ दूसरे की रक्षा करने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी मदद करेगा। समुद्री लुटेरों से पोतों की बचाने के लिए भारतीय नौसेना को त्वरित प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर में अदन की खाड़ी, गिनी की खाड़ी आदि जैसे अवरोधक बिंदु मौजूद हैं, जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है और इन बिंदुओं पर खतरे बने रहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS संधायक की रक्षा नीति की सराहना की और कहा कि समुद्री लुटेरों से भारत ही नहीं बल्कि मित्र देशों की भी रक्षा होगी। INS संधायक को गार्डन रीच शिप वर्क्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता में तैयार किया गया है। इसका वजन करीब 3,400 टन है जबकि इसकी लंबाई 110 मीटर है। इसमें 2 डीजल इंजन लगे हुए हैं और इसकी रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। INS संधायक में कई अल्टामाटर्स इग्निकमेंटर्स लगे हुए हैं। यह पोत सर्वे और नेविगेशन को और बेहतर बनाएगा। इस पोत में बोफोर्स गन के साथ चेतक हेलीकॉप्टर भी है। इस पोत में एक बार में 18 अधिकारी और 160 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। बीते कुछ दिनों में भारत ने समुद्र के अंदर कई सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सोमालिया के पूर्वी तट पर ईरानी बोट को बचाने में अहम भूमिका अदा किया है। इसके अलावा पाकिस्तानी और श्रीलंकाई नागरिकों को बचाने के लिए मिशन को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक भारतीय नौसेना 3,400 जहाजों और 25,000 से अधिक नाविकों को सुरक्षित बचाने में कामयाबी हासिल की है। जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।